वंस अगेन सभी को नमस्कार मेरे नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दाब्रुजो से जीरो तक का जो सफ़र रहा मैं उसको दिखाना चाहता हूँ, कितना तकलीफ था मेरा जर्नी। तो आप जाके देख सकते हैं मेरे जो वीडियो, और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैं सभी से अनुरोध करता हूँ आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और नेक्स्ट संडे से मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर है, जो अच्छा कमेंट्स, जो अच्छा सजेशन जो मुझको देगा उसके लिए एक गिफ्ट हैम्पर होगा। तो इसलिए काइंडली आप लोग कुछ सजेशन दीजिए, मुझे इनक्रेज कीजिए, ताकि मैं आप सबके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो कंटेंट लेके आ सकूं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड गो टू वीडियो। सब लोग हो गया, बारिश बहुत हो रहा था तो रुकना पड़ेगा। हाईवे का काम भी चल रहा है, या पोकलैन जैसे भी वगैरह सब आया है, सब जोरदार से लगा हुआ है। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। किस तरह के टूरिस्ट बाहर से आता है या कुछ पैसा देके जाता है, तो ये वन काइंड ऑफ रिसोर्स जो इनकम है यहाँ के पब्लिक के लिए भी ठीक है। और टूरिस्ट के थ्रू हमारे जो ये जगह है जीरो, ये हापोली, ये लोग बाहर दुनिया में एक्सप्लोर हो रहा है, इसको लोग जानने लगा है। अभी बाहर बाहर देश से भी बहुत से लोग आता है ये इसको देखने के लिए, इसे सीखने के लिए कि यहाँ के लोगों ने किस तरह नेचर को बहुत ही सुंदर से बना के रखा है। तो इसलिए हम लोग जो अलग अलग जगह के जो लोग हैं, तो इस तरह का जगह को भी हम लोग सुंदर कर सकता है हम लोग, और नेचर को, और जो हमको भगवान जो एक सुंदर एक नेचर दिया है उसका हम लोग और सुंदरता हम लोग लेके आ सकता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया जगह है, इसलिए हम सबको कोशिश करना है ऐसा खूबसूरत जगह को हम लोग और खूबसूरत बनाने के लिए। हमारे अरुणाचल के ट्राइब्स में आपदाने को बहुत ही इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव ट्राइब माना जाता है। ये जो लेक देख रहा है ये कोई नेचुरल लेक नहीं है, मैन मेड लेक है। यहाँ के लोग नेचर को बहुत खूबसूरत से प्रिजर्व किया है,
यहाँ एक मैन मेड लेक बनाया है जिसके चलते हमारे टूरिस्ट और यहाँ के एग्रीकल्चर और रेवेन्यू जनरेट में बहुत ही फ़ायदा है। यहाँ के लोग बहुत ही क्रिएटिव लोग हैं। आफ्टर लॉन्ग जर्नी हम यहाँ रेस्टोरेंट पे आए हैं। के लेक जाने के बाद बहुत लेट हो गया। रास्ता दापो से निकलते समय रास्ता में थोड़ा ब्लॉकेज था, उसके चलते थोड़ा देरी होना पड़ा। अभी हम यह एक रेस्टोरेंट में आया है जीरो का। भूख लगने के कारण थोड़ा यहाँ के डिशेस ट्राई कर रहे हैं। हमारे दोस्त गंबे गंगो उसके जीजा और बहन के साथ हम यहाँ आया हैं। अभी यहाँ से उसके बाद हम निकलेंगे ईटानगर की ओर। अभी सिक्के लेक से घूम के आया है। मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सब्सक्राइबर, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए अगले पार्ट।